हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण शब्द बना है ऑक्सीजन से, यानी कि O2 से। अब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन निकलेगी तो अपचयन। तो हम यहाँ चार पॉइंट लेते हैं। ऑक्सीजन का योग और वियोग, यानी कि वियोजन, यानी ऑक्सीजन का संयोजन और वियोजन के आधार पर हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, C+O2 क्या बना? CO2। तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है तो यहाँ ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। एक और ले लेते हैं, Mg+O2 हो गया 2MgO। यहाँ थोड़ा सा आपको संतुलन भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन जुड़ने को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। तो यहाँ हमने देखा ऑक्सीजन जुड़ने को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब इसका उल्टा, ऑक्सीजन निकलना अपचयन हो जाएगा। जैसे यही उदाहरण ले लेते हैं अपन, 2MgO। अपघटन यानी कि टुकड़े हो जाएंगे तो 2Mg+O2। यहाँ हमने देखा कि ऑक्सीजन, यहाँ MgO है हमारा और यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है और ये Mg हमें प्राप्त हो रहा है। तो MgO का या 2MgO का Mg में क्या हो रहा है? अपचयन। एक और उदाहरण ले लेते हैं ऑक्सीजन निकलने का, यानी कि अपचयन का। KClO3, तो ये हो गया 2KCl+3O। यहाँ भी हम देखेंगे कि जो इसमें O3 था, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ से ये KCl ही रह गया क्यों? तो इससे क्या निकला? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन निकलने को हम बोलते हैं अपचयन। पहला पॉइंट कंप्लीट, ऑक्सीजन के संयोजन व वियोजन के आधार। दूसरा हम लेते हैं इसी का, हाइड्रोजन के आधार, हाइड्रोजन के संयोजन व वियोजन के आधार। यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा। हाइड्रोजन का योग होगा तो क्या होगा? अपचयन। और हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन का वियोजन होगा तो वहां होगा ऑक्सीकरण। उदाहरण ले लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम जोड़ते हैं हाइड्रोजन। ये वनस्पति तेल है, एथीन। एथीन क्या है? यहाँ वनस्पति तेल। अब हम इससे वनस्पति घी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वनस्पति घी। क्या जोड़ करके? हाइड्रोजन जोड़ करके। तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखेंगे यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन 2 और नीचे भी 2। अब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ने के बाद ये CH3 और CH3 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन 3 और 3 6 हो गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का योग हो रहा है, और हाइड्रोजन का जब योग होता है तो उसे कहते हैं अपचयन। एक और ले लेते हैं, H2+Cl, वही हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ने को आप क्या बोलेंगे? अपचयन। तो ये हो गया H2
HCl हो गया, 2HCl हो गया, क्या हो गया 2HCl। अब ये हाइड्रोजन जुड़ रहा था तो अपचयन, अब हाइड्रोजन निकलेगा तो देखते हैं, H2S plus O2। यहां देखेंगे हमारा ध्यान H2S पर रहेगा, तो यहां देख रहे हैं हम H2O plus S। अभी हमारे पास H2S था, अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है S, यानी कि इससे क्या निकल गया H2, और H2 निकलने को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण। आपको ये नहीं देखना है कि ये तो H2 है सर, अभी भी यहां से हाइड्रोजन निकला और अब हमारे पास S है, क्यों अब वो गया किसी से भी जुड़ा, वो नहीं देखना है हमें, ये देखना है कि अभी हाइड्रोजन यहां से निकल गया और हाइड्रोजन के निकलने को बोलेंगे हमें ऑक्सीकरण। एक और ले लेते हैं, एथेनॉल CH3CH2OH, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगी तो ये बन जाएगा CH3CHO और प्लस के हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है एथेनॉल में। यहां देखेंगे हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6, यहां देखेंगे 3 और 1 4, और ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गई, तो हाइड्रोजन निकलने को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण। तो यहां हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, इसी का लेते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन का, धन विद्युती तत्व। धन विद्युती तत्वों के संयोजन व वियोजन के आधार, धन यानी कि प्लस, अब प्लस कौन होता है, प्लस है? तो प्लस सारी धातुएं होती है, देफोर धातु, देफोर दाता और देफोर धनात्मक। एक प्रकार का ट्रिक है कि धातु क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है, और जो दान करता है उसे क्या बोलते हैं दाता, और जो दाता होता है यानी कि वो धनवान होगा यानी कि वो धनात्मक होगा। तो ये हम अभी धन विद्युती तत्वों के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे। तो यहां देखते हैं 2KI, प्लस Cl2। तो यहां देखेंगे हमारे पास ये बाई तरफ की चीज, आप देखा करो कोई भी सूत्र होता है नॉर्मली, जैसे ये हमारे पास H2O है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। अब ये पता कैसे चले कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस, तो लेफ्ट, जो लेफ्ट में है वो प्लस और जो राइट में है यानी कि लास्ट में है वो माइनस। तो यहां देखेंगे हमारे पास प्लस का ये है, प्लस का यानी कि धन विद्युती या धनात्मक, तो ये निकलेगा, तो यहां देखेंगे अपन ये हो गया KCl प्लस I2। तो हमारे पास अभी ये 2KI था और यहां केवल I रह गया, तो इससे क्या निकला पोटेशियम, और पोटेशियम क्या है प्लस, प्लस यानी कि धन विद्युती तत्व यहां से निकला, धन विद्युती तत्व यहां से निकला। तो धन विद्युती तत्व के निकलने को अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, अब लेते हैं धन विद्युती तत्व का संयोजन, तो देखते हैं H2S प्लस Cl2 देखेंगे, या यही ले लेते हैं, तो H2 प्लस Cl2 या H2 प्लस Cl2 भी हो सकता है। हाइड्रोजन एक धनात्मक होता है, हाइड्रोजन यहां धनात्मक है, तो ये H2 और Cl2 जुड़ करके बनेंगे 2HCl, तो ये हमारा धनात्मक तत्व जुड़ रहा है और धनात्मक जुड़ने को हम बोलते हैं अपचयन, अपचयन। या एक और उदाहरण यहां ले लेते हैं,
अपचयन पढ़ रहे हैं हम, धनात्मक जुड़ने को अपचयन बोलते हैं। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं, Cl2+Mg। यहां हम देख रहे हैं कि लेफ्ट में जो है उससे आकर के कौन जुड़ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, मैग्नीशियम। ये आकर के जुड़ रहा है किससे, Cl2 से। अब सारी धातुएं क्या होती है, प्लस की होती है, प्लस की यानी कि धन विद्युत यानी कि धनात्मक, और ये हमारा फॉर्मूला बनता है MgCl2। तो ये अपचयन का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट लेते हैं ऋण विद्युती तत्व। ऋण यानी कि माइनस, ऋण विद्युती तत्व यानी कि माइनस वाले तत्व, वही चीज करनी है आपको, माइनस वाली जोड़नी है। जैसे छोटा सा उदाहरण लेंगे, Mg+Cl2, क्या बनाइए, MgCl2, ये Cl- का है और ये Mg से आकर के जुड़ रहा है, तो यहां हो गया ऑक्सीकरण। यहां क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। Mg है हमारा धनात्मक है, लेकिन इससे आकर के ऋणात्मक तत्व, ऋण विद्युती तत्व आकर के जुड़ रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अब लेते हैं हम अपचयन। अपचयन में देखेंगे Fe Cl3 कर देते हैं और यहाँ हाइड्रोजन से जोड़ कर देते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे Fe Cl3 अब हमारा किस में बदल गया, FeCl2 में, यानी कि इससे एक क्लोरीन निकल गई। क्लोरीन आपका क्या है, माइनस। क्लोरीन क्या आपका, माइनस, और क्लोरीन निकल गया यहां, और यानी कि माइनस वाला निकल गया, तो माइनस वाला निकल गया तो क्या हो गया, अपचयन। माइनस वाला जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, माइनस वाला निकलता है तो अपचयन। इसका लास्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। देखिए धनात्मक यानी कि प्लस कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर। और ऋणात्मक कैसे बनता है, यानी कि माइनस, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर। तो हम वही चीज देख रहे हैं, ध्यान रखना, पहले पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में देख रहे हैं हम, जैसे आपका Na है सोडियम, ये सोडियम अभी तक उदासीन प्रकृति का है। अब ये धनायन कैसे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर यह है एक धनात्मक बन जाता है। ऐसे दूसरा लेते हैं Mg, ये Mg+2 बनेगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनात्मक बनता है, और धनात्मक बनने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, या शॉर्ट में प्लस में वृद्धि, प्लस में वृद्धि को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अब चल लेते हैं हम अपचयन। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय ग्रहण करेगा, जैसे देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन अभी उदासीन है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये हो गया Cl-1, यानी कि क्लोरीन उदासीन से क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो यहां क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या करने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, किसमें वृद्धि हुई,
माइनस में वृद्धि होगी। शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस में वृद्धि होगी, और माइनस में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। एक बार शॉर्ट में और समझ लेते हैं अंतर के रूप में। अंतर वाला कोई भी प्रश्न आता है, बीच में कॉलम बनाएंगे, कॉलम के इस तरफ एक चीज यानी कि ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ दूसरा यानी कि अपचयन। वही पांच पॉइंट दोबारा ले लेते हैं। ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो यहां इसका उल्टा, ऑक्सीजन का वियोग यानी ऑक्सीजन का वियोजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन का वियोग, ध्यान रखना हाइड्रोजन प्लस का होता है, तो हाइड्रोजन का वियोग होगा तो ऑक्सीकरण होगा, इसका उल्टा हो जाएगा हाइड्रोजन का योग। तीसरा पॉइंट धन विद्युती तत्व, धन विद्युती तत्वों का निष्कासन या वियोग, ऑक्सीकरण हो गया। यहां उल्टा हो जाएगा इसका, धन विद्युती तत्वों का योग। ध्यान रहे हाइड्रोजन जो है वो प्लस की होती है। चौथा पॉइंट यहां लेते हैं, ऋण विद्युती तत्वों का योग यानी कि माइनस का योग, ऑक्सीजन एक माइनस है, ध्यान रहे इस बात का। तो इसका उल्टा हो जाएगा ऋण विद्युती तत्वों का वियोग, ऋण विद्युती तत्वों का वियोग क्या होगा, अपचयन होगा, और ऋण विद्युती तत्वों का योग क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। लास्ट हमारा इसका पॉइंट है पांचवा, इलेक्ट्रॉन त्यागना, और यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना यानी कि प्लस में वृद्धि ऑक्सीकरण में, और अपचयन में माइनस में वृद्धि। ये आपका हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन। अब ये ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रिया है यानी कि आधी आधी है, ये दोनों साथ साथ जब चलती हैं तब इन्हें पूरा माना जाता है। तो हम देखते हैं ये दोनों जब साथ साथ चलती है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है एक ग्रहण करता है, एक का योग होता है तो एक का वियोग होता है, तो इस आधार पर हमने इन दोनों को जोड़ करके एक नाम दे दिया रेडॉक्स। हिंदी में हो गया अपोपचय, हिंदी में क्या नाम हो गया, अपोपचय। देखेंगे ऑक्सीकरण को हम हिंदी में उपचयन बोलते हैं और अपचयन को अपचयन बोल ही रहे हैं। तो अप और उप मिल करके ऊ का ओ जाता है, जैसा कि आपने संधि पढ़ी होगी गुण संधि, तो ये अपोप हो गया। अप को उप के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो गया, अपो, और चयन कॉमन रह गया तो अपोपचय। ऐसे रेडॉक्स जो शब्द बना है, ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां से आर ई डी लिया और यहां से ओ एक्स लिया तो क्या बना, रेडॉक्स। तो ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। अब रेडॉक्स का या अपोपचय का एक उदाहरण स्वरूप प्रश्न आता है जिसमें केवल यही बताना पड़ता है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। देखते हैं छोटा सा उदाहरण है, CuSO4 प्लस जेड, तीर का निशान ZnSO4 प्लस Cu। अब मैं दो तीर के निशान बना रहा हूं, ध्यान देना CuSO4 ZN का ZnSO4। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि CuSO4 है हमारे पास, उसके साथ में
SO4 है जो निकल करके किसके साथ जुड़ गया, ZN के साथ, और वहां हो गया ZnSO4। अभी अभी हमने देखा था कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा, तो यहां SO4 में ऑक्सीजन है, ये निकल रहा है, तो क्या हुआ यहां अपचय। एक सही हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अभी अभी आपको बताया कि ये दोनों अभिक्रियाएं आपस में एक दूसरे की आदि आदि हैं और ये दोनों साथ साथ चलती हैं तब जाकर के पूरी मानी जाती है, और इन पूरी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स। एक और उदाहरण ले लेते हैं, ZnO+C ZnU। साफ साफ दिख रहा है यहां से ऑक्सीजन निकला और ये ZN रह गया, यहां C अकेला है, यहां आकर के CO हो गया, तो C ऑक्सीजन से जुड़ करके CO बना रहा है, यानी कि यहां क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और ये ZNO से ऑक्सीजन निकल रहा है और ये ZN ही बच गया, तो यहां हो गया अपचयन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।